हेलो एंड नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और आलू के सब्ज़ी। तो उसको बनाने के लिए हमने पत्ता गोभी लिए हैं और आलू लिए हैं टमाटर के साथ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल लिया, सरसों का तेल थोड़ा सा, और उसमें से हल्का सा चीनी डाला। और चीनी जैसे गर्म होकर उसका अपना रंग चेंज करेगा, कैरामलाइज होगा, तो उसमें से हम डालेंगे तेज़पत्ता। एक्चुअली ये जो सब्ज़ी है ये सीजनल है, जहाँ पे ठंड में इसको खाया जाता है, बट आजकल ये तो पूरा साल मिलता है खाने के लिए। बट इस साल में जब इसको कैसे बना देता है, क्योंकि ये चीज़ में अगर आप ज़्यादा मसाला डालते हो और इसको ज़्यादा पका देते हो ना, इसके मज़ा चला जाता है। तो हम बहुत कम टाइम पे कम मसाला में कितने अच्छे से बना सकते हैं वो आपको बना के दिखाएंगे। और इसको आप घर में बनाइए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहना, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। और आगे आगे मैं आपको अच्छा अच्छा और चीज़ बताते जाऊँगा इसके बारे में। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। जैसे देख सकते हैं चीनी अपना रंग बदल चुका है, तो मैंने तेज़पत्ता डाला। तेज़पत्ते के मैंने सिर्फ दो प्याज लिया है, वो भी छोटे छोटे। इसको मैंने हाथ से ऐसे उसको छोटा छोटा कर दिया हाथ में मसल के, क्योंकि ये पूरा पतला जो कट है वो अच्छे से खुल जाए और तेल में मिल जाए। तो मैंने ये डाल दिया हूँ, तेल डाला हूँ मैं, तेल के साथ दो छोटे छोटे प्याज मीडियम साइज़ के। उसके साथ हम मसाला जो लिए हैं, ये मसाला इसमें से हम लिए हैं अदरक, लहसुन, मिर्ची, जीरा और धनिया, साबुत धनिया। बस इतनी चीज़ें इसमें से, अदरक, लहसुन, जीरा, मिर्ची एंड साबुत धनिया, बस और कुछ नहीं है। इतने ही मसाले में हम इसको बनाएंगे। थोड़ा प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, तभी हम आगे इस मसाले को डाल के मिलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज अभी भून के लाल हो चुका है, मतलब ब्राउन। तो इसमें अभी हम डालेंगे मसाला। ये देखिए, हम उसमें से मसाला, वो जो मसाला हमने बना के रेडी रखे थे, इसमें हमने उसमें से 2.5 से 3 चम्मच डाल दिए हैं अभी, वो अदरक लहसुन और सारे मिला हुआ मसाला। और इसको हम चलाते रहेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक ये अच्छे से मिक्स हो के तेल ना छोड़ दे। और इसमें हम कोई ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो उसमें से थोड़ा सा अदरक गरम मसाला लास्ट में डालेंगे, जब सब्ज़ी आखिरी में पकने वाला, मतलब बन के रेडी होने से पहले। बस अभी हम इसको पकाते रहेंगे। मसाला ये रेडी हो चुका है, अभी हम डालेंगे नमक 1 चम्मच, और पहले से लिया था मैं नमक, और 1 चम्मच हल्दी। और इसको हमने मिला देंगे अच्छी तरह से। देखिए क्या कलर आके इसका, और खुशबू क्या बताऊँ, शायद मैं वीडियो में आपको महक भी सुना सकता हूँ, तो मज़ा आ जाता है। ये देखिए, ये बन के रेडी हो गया है। तो इसमें से हम डाल देंगे सीधा सब्ज़ी, आलू, टमाटर और गोभी। इसको अच्छे से मिला देंगे। तो मिलाने के बाद इसको थोड़े टाइम तक हम ओढ़ के रखेंगे कि सारे सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। देखिए क्या कलर आ रहा है ना, बिल्कुल जब ये सारे मिक्सचर हो रहे हैं तो मन तो करेगा ऐसे ही खा जाए। पत्ता गोभी तो कच्चे भी खाया जाता है। ठीक है, हम उसको अभी ढाँक देते हैं थोड़ी देर के लिए। जी वाव, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है। और क्या टेक्सचर और क्या कलर। इसमें हम डालेंगे अभी थोड़ा सा गरम, इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला अभी डाले हैं, और डालेंगे उसमें से धनिया पत्ता। गरम मसाला 1 चम्मच डाले, छोटे वाला चम्मच जो होता है, और धनिया पत्ता। और आप देख सकते हैं ये कितना प्यार से बन के रेडी हो गया है रोटी के लिए। तो गाइस प्लीज़ आप ये बनाना और इसका टेस्ट कमेंट में लिख के बताना, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ मेरे चैनल को। थैंक यू।